हेलो स्टूडेंट्स, प्रेपराइज क्लासेस वेलकम्स यू ऑल। प्रेपराइज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इट्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन। थोड़ी बहुत आज हम पढ़ेंगे रेलवेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आए हैं क्वेश्चंस, रेलवे से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की जो रेलवे लाइन्स है। देखो इसमें जो अपडेट्स, अगर आपको कोई नया अपडेट मिलता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा पता है तो आप वो हमारे उस पर कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं। पर जितना जो क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं। कई बार थोड़ी बहुत चेंजेस हुई हैं, पुरानी बुक्स में कुछ और दिया जाता है और नई जो नई चेंजेस आई हैं उसके बारे में भी होगा। और अगर आपको फिर से रिक्वेस्ट की किसी बच्चे को ये डाउट कि मैम ये चीज़ कवर नहीं हुई है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने कमेंट सेक्शंस पे वो चीज़ डालें, सो दैट कि हम आपको अगले टाइम जो है वो ओवरकम कर सकें। एंड मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहली चीज़, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है और मॉक टेस्ट जो है वो सही रखा। हाँ, एक क्वेश्चन था नलवाड़ी फेयर वाला। जिन बच्चों ने पूरा वीडियो देखा होगा उनको क्लियर हो गया होगा कि वो चीज़ करेक्ट कर दी गई थी, लेकिन जिन्होंने वहीं से अगर एक क्वेश्चन को देखकर अजम्पशन बना ली है कि आगे जो है वो क्वेश्चंस गलत होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हमारे में टाइपिंग एरर्स भी आ सकते हैं, तो इट्स नॉट कि भाई हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये चीज़ प्लीज़ स्टूडेंट्स माइंड कीजिए कि भाई हम आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। जो भी हमें मिलता है हम आपको जो है जितना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर सकते हैं हम करते हैं। हो सकता है कई बार हमसे भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम भी बहुत परफेक्ट हैं। कई बार जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को हम हमेशा जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग ही हो जो हमें हमारी गलतियां बताएंगे और उसके बाद हम उसको ठीक करेंगे। कई बार आप जब गलती करते हो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको गलतियाँ जो है ओवरकम करें। जो लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या जो लोग हमें हमारी गलतियाँ बता रहे हैं, मैं उन सबको बोलूँगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थैंक यू सो मच कि आप हमसे इतना एक्सपेक्ट करते हो और हमारी जो गलतियों को ओवरकम करके हमें और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो इट्स जितने भी लोग हैं जो हमारी गलतियों को ओवरकम करके और हमें हमारे वीक पॉइंट्स को बताओगे तभी जाकर हम अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी जितनी हमारे पास नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, बस इतना कहूँगी कि थैंक यू कि जिन्होंने गलतियों को ओवरकम किया। नलवाड़ी फेयर वाला जो क्वेश्चन था वो टाइपिंग एरर की वजह से गलत हुआ, लेकिन वो बाद में ठीक कर दिया गया था। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स पहले ही प्रिजम्पशंस बना लेते हैं, प्लीज़ वो स्टूडेंट्स जो हैं पहले पूरा वीडियो देख लें, देन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स दें। उसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं अपना रेलवे लाइन। तो रेलवेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश, सबसे पहली रेलवे लाइन, सबसे फेमस रेलवे लाइन जो है वो है कालका शिमला रेलवे लाइन। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि ये कौन सी गॉज पे पड़ती है। इट्स अ नैरो गॉज। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है वो कौन सा है, नैरो गॉज है या ब्रॉड गेज है। तो पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये है नैरो गॉज। सेकंड, कितना डिस्टेंस कवर करती है, 96.54 यानी 97 भी हो सकता है, बट बेसिकली 96.54 जो है इसने इतना डिस्टेंस जो है ये कवर करती है। मतलब कालका से शिमला की जो रेलवे लाइन है उसका जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो कितना है, 96.54 किलोमीटर्स। एक और चीज़, ये जो रेलवे लाइन थी, जो कालका शिमला रेलवे लाइन थी, ये सबसे पहले पब्लिश की गई जो दिल्ली गैजेट है इन द ईयर 1847। मतलब अगर इसमें ये देखा जाएगा कि जब शिमला में जो रेलवे लाइन की ज़रूरत पड़ी है तो वो रेलवे लाइन की ज़रूरत की जो डिस्कशन है वो पहले सबसे पहले कब हुई थी, 1847 में, और किस गैजेट, किस बुकलेट में, यानी दिल्ली गैजेट जो न्यूज़पेपर है या उसमें ये जो डिस्कशन हुई थी 1847 में कि शिमला में एक रेलवे लाइन चाहिए। लेकिन इसको ऑफिशियली जो ये इनॉग्रेट हुई है
वो हुई है 9 नवंबर 1903 मतलब 1903 एडी में। मतलब पहली चीज़ ये कब इनॉग्रेशन हुआ है इसका, 9 नवंबर 1903 में। किसने किया है? लॉर्ड कर्जन ने। इंडिया के जो लॉर्ड कर्जन थे ब्रिटिशर, उन्होंने इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका पहला पॉइंट तो आप ये याद कर लीजिए कि दिल्ली गैजेट में ये कब आई थी, 1847 में। दूसरा कि इसको ऑफिशियली किसने इनॉग्रेट किया था, किसने इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है, वो है आपकी लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था? 1903 में। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला इसका जो पैसेंजर था ऑफिशियल, वो थे आपके सोलन के, जो सोलन में वाइन कॉन्ट्रैक्टर, जो शराब का कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, वो है लाला राम नारायण, वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पैसेंजर। मतलब इसमें एक पॉइंट याद है कि कई बार आपसे ये क्वेश्चन, आजकल जैसे कई बच्चों ने बोला कि मैम पेपर का लेवल जो है वो टफ हो सकता है, तो हम ऊपर की लाइनें पढ़ के जाते हैं, और अगर हम ये चीज़ भी नहीं देखें तो कई बार आपसे यही पूछ लेंगे कि फर्स्ट ऑफिशियल पैसेंजर जो था, इसका जो पहला ऑफिशियल यात्री जिसने इस पे ट्रेन पे पहले जो सफ़र किया है, सबसे पहला, वो कौन था? लाला राम नारायण। मार्क दिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये शिमला तक पहले इनॉग्रेशन कब हुआ? 1903 में। लेकिन शिमला तक पहुंचने को इसको कब ये पहुंची है? 1906 एडी में। मतलब लॉर्ड कर्जन ने तो इसका उद्घाटन कर दिया था, कालका शिमला लाइन, कालका से शिमला जब ये प्रॉपर इसका जो सेटअप बना है वो बना है 1906 में। ये कहाँ पे पहुंची है? शिमला में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि ये जो रेलवे लाइन है इसका उद्घाटन हुआ है 9 नवंबर 1903 में, लेकिन ये शिमला में इसकी जो लाइन पासिंग है वो शिमला में कब हुई थी, ये शिमला तक कब पहुंची थी? 1906 में। दूसरा एक और चीज़, 1927 एडी में यहाँ पे एक रेल कार सर्विस भी इंट्रोड्यूस्ड की गई। तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए कि रेल कार सर्विस जो है वो कब इंट्रोड्यूस्ड की गई है इस लाइन में? 1927 में। यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास कितने पहले, देखो कि इसका डिस्टेंस पे कई बार ये पूछा जाता है कि कालका शिमला रेलवे लाइन की जो है वो लंबाई कितनी है, कितना डिस्टेंस है, तो 96.54 या कई बार 96 किलोमीटर्स ही दिया जाता है, या कई बार अगर आप ऑप्शंस पे देखना, अगर 97, 95, 94 देन और 98, तो नियर अबाउट क्या होगा 90, क्योंकि 96.5 है। दूसरा हम देखते हैं ये कौन सी गॉज लाइन है, तो वो है आपकी नैरो गॉज लाइन। दूसरा इसका तीसरा पॉइंट देखिए कि दिल्ली गैजेट में ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1847 में। आपका एक और क्वेश्चन कि ये कब इन्वेंट, मतलब इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, वो लॉर्ड कर्जन ने किया है। चार पांच पॉइंट्स हो गए। फिर इसको कब इनॉग्रेट किया गया था, लॉर्ड कर्जन ने कब उसका उद्घाटन किया, तो ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, 1903। शिमला में कब पहुंची थी? 1906 में। और रेलवे कार, पहली रेलवे कार जो है, रेल कार जिसको बोल सकते हैं, वो इसमें एक रेल कार भी इंट्रोड्यूस की थी, वो की थी 1927 में। अब इसमें ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, हाउ मैनी टनल्स आर देयर इन द रेलवे लाइन, यानी कालका शिमला लाइन में। सबसे पहले जब ये रेलवे लाइन बनी थी तो इसमें कितनी टनल्स थी, ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। जब ये कार बनी थी, जब रेलवे लाइन बनी थी, तो कितनी टनल्स थी? 107। लेकिन 1930 में इसको जो है कितना रीनंबर्ड कर दिया? 103। इनिशियली देर आर 103 टनल्स, ठीक है, और दाओ, लेकिन आज कितनी है? 102, ये भी कहा जाता है। और जो टनल 46 है, क्योंकि वहाँ पे एक सोलन ब्यूरी है, यानी मैक मिकन ब्यूरी जो बोलते हैं, वो सबसे पुरानी ब्यूरी है आपकी सोलन की। तो सोलन ब्यूरी के नाम से ये जो टनल है, दैट शिफ्ट इनटू द सोलन ब्यूरी, जिसके कारण जो है ये टनल नहीं एग्जिस्ट करती, जो टनल 46 है। फिर से समझ लीजिए कि इनिशियली जब शुरू हुआ था तो कितनी टनल्स थी? 107।
लेकिन 1903 में इसका जो नंबर है वो कर दिया गया है 103 टनल्स। बेसिकली देर आर 103 टनल्स और इसमें एक जो टनल है टनल 46 दैट शिफ्टेड टू द आपकी सोलन ब्यूरी के नाम से यानी बिवरी बन गई है, जिसके कारण एक और टनल कम होगी। तो इनिशियली देर आर 102 टनल्स और यहाँ पे दिया गया है इट हैज़ 8869 ब्रिजेस। पर स्टूडेंट्स कई आज जो है टोटल 988 ब्रिजेस हैं, ठीक है, कहीं जगह पे दिया है 993, बट अगर देखा जाए नेट के हिसाब से तो देयर आर 988 ब्रिजेस इन दिस रेलवे लाइन। पहले कितने थे 869 ब्रिजेस, लेकिन आज कितने हैं 993 भी लिखे गए थे, पर अब जो बेसिकली हैं वो है 988 ब्रिजेस। कितने कर्व्स? 919 कर्व्स। और इस ट्रेन की ये बहुत बार पूछा गया है कि सबसे लंबी टनल कौन सी है इसकी, तो ये जो टनल है वो है बरोक टनल, ठीक है। बरोक टनल इज द लॉन्गेस्ट टनल इन दिस ट्रैक। तो ये चीज़ याद रख लेना कि सबसे बड़ी टनल जो है इसकी वो कौन सी है, बरोक टनल, और कहाँ पे, कितनी ऊंचाई पे, 1560 मीटर जो है समुद्र लेवल से जो उसकी ऊंचाई है वो है आपकी 1560, लेकिन ये कितनी लंबी है 1143 मीटर्स लंबी है ये ट्रेन। तो सबसे लंबी टनल जो है वो कौन सी है, बरोक टनल। कितनी लंबाई है, 1143 मीटर्स लंबी है, लेकिन अगर इस बरोक टनल को समुद्र लेवल की ऊंचाई से देखा जाए तो 1560 मीटर्स है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी होगी। आगे देखते हैं, ये जो है इस टनल, जब इस टनल की बरोक टनल की जब खुदाई चल रही थी तो देर आर वेरियस मिस हैपनिंग्स, बहुत ज़्यादा मिथ है कि भाई जो इसके इंजीनियर थे, कौन थे इंजीनियर, कैप्टन बरोक। बरोक टनल का नाम किसके नाम पे रखा गया है, कैप्टन बरोक के नाम से, बरोक के नाम से। और क्यों रखा गया है, क्योंकि जब वो ये टनल बना रहे थे उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया, क्योंकि उनको ये लिंक नहीं मिल रहा था कि वो क्या करें, तो उन्होंने अपने आप को जैसे बोलते गन शॉट कर ली थी, जिससे इनका डॉग भी मरा था और खुद भी। इसके बाद क्योंकि ये टनल का उनको कोई लिंक नहीं मिल रहा था तो दैट ही कंटेम्प्टेड अ सुसाइड। आफ्टर उसके सुसाइड से एक कहा जाता है कि वहाँ पे एक इंसान थे, उसके पास सुपरस्टिशियस पावर्स थी, यानी सुपर नेचुरल पावर्स थी। उस इंसान का नाम है बाबा बालखुराम। ये भी आता है कि किसने जो है रेलवे लाइन को जो है कनेक्शन दिया था, तो वो कौन था, बाबा बालखुराम, जिसने लिंक किए सारे चैनल्स को, जितनी भी रेलवे लाइन्स हैं उनको लिंक करने का काम जो है इसने किया था, बाबा बालखुराम ने। और क्या लिंक किया था स्टूडेंट्स, कि ये जो इसके पास सुपर नेचुरल पावर थी, इसने जो ये बरोक टनल के साथ बाकी जो लिंक किया था थ्रू हिज स्टिक, मतलब स्टिक से इसने अपने आप को डिमार्केटेड किया था और स्टिक की हेल्प से इसने ब्रिटिशर्स के टास्क को क्लियर कर दिया गया, ठीक है। और ये कहा जाता है कि इस ट्रेन के कितने कंपार्टमेंट्स हैं, 7, एंड इट्स हैज़ 200 पैसेंजर्स कैपेसिटी। पहली चीज़ ये याद रख लो कि किस, कई बार क्वेश्चन आता है किसने इस ट्रेन की खातिर खुदकुशी की थी, वो थे कैप्टन बरोक। क्यों? क्योंकि और बरोक टनल किसके उस पर है, वो है कैप्टन बरोक के नाम से। दूसरा देखो कि इस ट्रेन को फाइंड आउट जो किया गया है किसके पास सुपर, किसने स्टिक के थ्रू जो है इस रेलवे लाइन को जांचा है या बनाया है, वो है बाबा बालखुराम। और उसके बाद इसको जो है ब्रिटिशर्स ने फिर बाद में इसको अंडरटेक कर लिया था। इसमें कितनी कैपेसिटी है, दैट इज़ 200 पैसेंजर्स। अब है मिस्टर एच एस हारिंगटन वॉज द चीफ इंजीनियर हु सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। मतलब क्या है, आपका जो ये रेलवे लाइन है, मिस्टर एच एस हारिंगटन जो थे वो इसके चीफ इंजीनियर थे, जिसने इस पूरी रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन की है। तो हु सुपरवाइज द रेलवे कंस्ट्रक्शन, किसने इसको सुपरवाइज किया है, वो है मिस्टर एच एस हैरिंगटन।
ठीक है, जो कि चीफ इंजीनियर थे जिन्होंने इस पूरी रेलवे लाइन को बनाया है, ठीक है। और 2000 इसको यूनेस्को द्वारा दिया गया एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड कर लिया गया है, कालका रेलवे लाइन को। कब इंक्लूड किया गया है? जुलाई 2008 में जो है इसको जो है यूनाइटेड नेशन यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसको इसका नाम दिया गया है, फ्रॉम कालका एट 640 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। और फ्रॉम द सी लेवल टू शिमला एट 2130 मीटर्स, एक स्टीपेस्ट असेंट फॉर दिस डिस्टेंस। मतलब देखो, कालका की लंबाई समुद्र तल से 640 मीटर्स तक है और शिमला की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 2130 मीटर। उस लाइन पे ये जो है गिनीज बुक रिकॉर्ड में उस बेसिस पे ये आई है ये ट्रेन जो है, और इसका जो है ये स्टीपेस्ट असेंट। तो आपने क्या याद करना है, आपको जो है पहले तो इसका चीफ इंजीनियर याद कीजिए। बड़ोक टनल जो है वो सबसे लंबी टनल है, किसके बेसिस पे है? बड़ोक के नाम से है, कैप्टन बड़ोक के। लेकिन कौन ऐसा इंसान था जिसने उसको सुपर नेचुरली जो है इसको लिंक किया है? तो बाबा बालखू राम। और बाबा बालखू राम से अब जो है एक म्यूज़ियम भी बना है शिमला में, म्यूज़ियम इन शिमला, ठीक है, किसके नाम से? बाबा बालखू के नाम से। ठीक है, और इसके नाम से ये जो बना है और आपका म्यूज़ियम बना है शिमला में, तो वहाँ पे रेलवे जो भी इसने काम किया है उससे रिलेटेड पूरा जो है रेलवे से रिलेटेड सारा पोर्ट्रे किया गया है उस म्यूज़ियम में। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा कि कौन है चीफ इंजीनियर, देन हु बड़ोक टनल जो है वो सबसे लंबी है, कितने ब्रिजेस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, कितना डिस्टेंस है, कितनी ब्रिजेस हैं, कितने टनल्स हैं, किसने इसको बनाया था। बाबा बालखू से भी आता है कि किसके पास सुपर नेचुरल पावर थी जिसने सुपर नेचुरली जो है इस रेलवे को बनाने में हेल्प किया, तो वो है बाबा बालखू राम। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी है पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गॉज। ये भी क्या है आपकी? नैरो गॉज रेलवे लाइन है पठानकोट से जोगिंदरनगर तक, ठीक है। तो पहला डिस्टेंस पठानकोट टू जोगिंदरनगर जो है वो कितना डिस्टेंस है? 113 किलोमीटर। इसका मेन काम, इस रेलवे लाइन का मेन काम क्या था? शानन प्रोजेक्ट जो था उसको उसके लिए मटेरियल को ले जाने के लिए क्या किया जाता था, इसके लिए जो है ये पठानकोट जोगिंदर नगर जो है वो रेलवे लाइन बनाई है। तो इसका बेसिक इम्पॉर्टेंस किसके लिए हेल्पफुल हुई है? ये शानन प्रोजेक्ट। और आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए, फिर से इस बार रिपीट कर लो कि शानन इज़ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट हायर्ड बाय पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बट बिल्ड ऑन ब्यास रिवर इन HP। ठीक है, मतलब बना ये हिमाचल में है, बनाया गया पंजाब गवर्नमेंट द्वारा, ये जो प्रोजेक्ट है वो हिमाचल में बनाया गया है। किस नदी पे बनाया गया? ब्यास पे। कहाँ पे बना है? जोगिंदरनगर में। लेकिन ये जो है पंजाब गवर्नमेंट इसको देख रही है, फिजिकली इट इज़ प्रेजेंट इन द हिमाचल प्रदेश। और इसको कब दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश को? 2024 में। तो ये चीज़ याद कर लीजिए, इट इज़ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट बट इट्स अ फर्स्ट प्रोजेक्ट, मान के चलिए ठीक है, आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट है हिमाचल का, लेकिन ओल्डेस्ट है। हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा पहला प्रोजेक्ट जो बनाया गया है वो है गिरी प्रोजेक्ट, तो ये चीज़ याद रख लेना। द कंस्ट्रक्शन इसका जो मेन है वो कब बनी थी? 1926 AD में। और ये ट्रैफिक के लिए कब खुली थी? 1929 में। मींस कि इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1926 में और 3 साल बाद जो है इसकी 1929 में इसकी इनॉग्रेशन हो गई थी, ये ट्रैफिक के लिए खुल गया था, मतलब ये रूट के लिए खुल गया था। इसमें जो है देयर आर 993 ब्रिजेस,
राइट, ओनली टू टनल्स, कितनी टनल्स हैं इसकी, दो टनल्स हैं, और द गज ब्रिज ओवर द गज खुड, ब्रिज नंबर 24 होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट नैरो गज ब्रिज इन इंडिया. इसमें एक चीज़ देखो, हमने पीछे किया 988 ब्रिजेस, वो है कालका शिमला लाइन पे, याद रखना. कई बार कई ही जगह पे एक्सटेंडेड कर दिया गया 993, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो पुराने ब्रिजेस जो है वो 869 है, लेकिन आज के स्टेज पे कालका शिमला लाइन में 988 ब्रिजेस है. इसके हिसाब से अगर देखा जाए कालका शिमला जो आपकी ये पठानकोट जोगिंदर नगर रेल है वो है आपकी 993, लेकिन इसमें कितनी टनल्स है, इट हैज़ ओनली टू टनल्स. और ये इसमें जो सबसे बड़ा ब्रिज गज ब्रिज जो है वो किस पे है, गज खड पे. और गज खड किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है. और ये जो है ये सबसे लंबा ब्रिज जो है वो किस में, इंडिया का नैरो गॉज लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, गज खड पे. और किस रेलवे लाइन पे है, पठानकोट जोगिंदर नगर लाइन पे. ठीक है, इसका मेन काम क्या था, मेन फंक्शन ऑफ दिस इज टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल टू शानन पावर हाउस एट जोगिंदर नगर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी. मतलब ये रेलवे लाइन का मेन मोटिव क्या था, क्यों बनी थी, ये सिर्फ इसलिए बनी थी कि शानन पावर हाउस में जितना भी मटेरियल है वो पहले ले जाने में मुश्किल होती थी. आजकल क्या है, ये जो मटेरियल है इसको पावर हाउस में भेजने के लिए क्या किया गया, तो एक रेलवे लाइन ले लिया गया. नगरोटा जंग जोगिंदर नगर सेंक्शन ऑफ दिस लाइन वॉज क्लोज इन 1942, बट 1954 में फिर इसको खोल दिया गया. जो इसमें एक सेक्शन था, मतलब जोगिंदर नगर और नगरोटा के बीच में एक सेक्शन जो बना गया था, ये लाइन में एक स्टेशन था, पहले तो उसको बंद कर दिया गया, फिर से इसको खोला गया था, कब, 1954 में. एंड इट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2009 में. कालका शिमला रेलवे लाइन आई थी स्टूडेंट्स 2008 में, एंड 2009 में जो है वो कौन सी आई है, आपकी पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे लाइन. एक और चीज़ बताती हूँ, अभी रिसेंटली जो है एक चिंतपूर्णी मार्ग, नेक्स्ट में लगाती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ चिंतपूर्णी, चिंतपूर्णी मार्ग एक रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, किया गया है दौलतपुर, एक लिंक बनाया है दौलतपुर से लेकर दिल्ली के बीच में. ठीक है, ये रेलवे लाइन, लेकिन ये चिंतपूर्णी के लिए एक कनेक्शन दिया गया है. कौन सी विलेज है, मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ, चिंतपूर्णी. मतलब इसका मेन काम क्या है कि तलवाड़ा और मुकेरियां जो पंजाब की आपका कनेक्शन है, ये किसको लिंक कर रहा है, दौलतपुर से दिल्ली तक. ठीक है, और ये चिंतपूर्णी मार्ग में ये कनेक्शन बनाया गया है. और इस विलेज का नाम है आपका कुनेरन विलेज. ठीक है, तो ये याद कर लीजिए. और इस कुनेरन विलेज का नाम अब क्या कर दिया गया है, चिंतपूर्णी मार्ग. मतलब इसका मेन कनेक्ट स्टेशन है ना, कुनेरन विलेज, लेकिन बाद में इसका जो है चिंतपूर्णी मार्ग. मेन काम क्या है इसका, चिंतपूर्णी के लिए कनेक्शन है, जो हमारी बेसिक श्राइन है. अब हम कर रहे हैं नंगल ऊना चरारू ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन. अभी तक हमने दो की हैं, जो हैं आपकी नैरो गॉज रेलवे लाइन. अब हम कर रहे हैं ब्रॉड गॉज, जिसमें नंगल ऊना कनेक्शन, आप इसको याद कीजिए. मेन पहली एक चीज़ याद रख लो स्टूडेंट, सभी के डिस्टेंस याद रखना कि कितने डिस्टेंस वो कवर करते हैं. कई बार अब हम कर रहे हैं नंगल ऊना ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन. मतलब अगर देखा जाए, अभी हमने किया है नैरो रेलवे गॉज लाइन, तो अब हम कर रहे हैं नंगल ऊना ब्रॉड गॉज. मतलब ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन कौन सी है, वो है नंगल ऊना. डिस्टेंस आप याद कर लीजिए कि डिस्टेंस कितना है, ये कितने डिस्टेंस पे कवर करती है, ये करती है आपकी 33 किलोमीटर्स.
और इसमें क्या है, कितना से नंगल और ऊना का जो स्ट्रेच है वो कितना है, 14 किलोमीटर्स, पूरा डिस्टेंस कितना है 13 किलोमीटर्स का, लेकिन नंगल और ऊना के बीच की जो रेलवे लाइन है उसका फर्स्ट स्ट्रेच कितना है 14 किलोमीटर्स। कब इनॉग्रेट हुई थी, 1991 में। किसने इनॉग्रेट किया था उस टाइम, जो थे रेलवे मिनिस्टर जनेश्वर मिश्रा ने ये जो है रेलवे लाइन को उद्घाटन किया है, और आज जो है वो रेल ये चलती है, अभी भी चलती है ये रेलवे लाइन। तो एक चीज़ जो आपकी नंगल ऊना है, तो इसमें नंगल ऊना के पास जो है आपकी हिमाचल एक्सप्रेस चलती है, एक आपकी और ट्रेन चलती है आम से चलती है, सो ये जो है पठानकोट से पंजाब को कनेक्ट करती है। तो ये जो रेलवे लाइन है इसका पहले आपने याद करना है, आपसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं रेलवे लाइन से बताती हूँ, एक मिनट पहले इसको देख लो। डिस्टेंस जो है वो 33 किलोमीटर्स का लेती है। किसने डिस्कवर की थी ये लाइन, मतलब किसने इनॉग्रेट किया है, कौन था उस टाइम रेलवे मिनिस्टर जनेश्वर मिश्रा, कब हुई थी, 1991 में, ठीक है। और इसका जो ऊना से नंगल तक का जो डिस्टेंस है वो है 14 किलोमीटर्स। तो आपको ये याद, मेन आपको ये याद रखना कि ये कौन सी है ब्रॉडगॉज, कितना किलोमीटर्स डिस्टेंस, किसने इनॉग्रेट की है। नेक्स्ट देखते हैं भानुपल्ली बिलासपुर ब्यारी ब्रॉड गॉज रेलवे, इट इज़ अंडर द कंस्ट्रक्शन, ये चल रहा है, इसके बारे में अभी जो है डिटेल्स चल रही हैं कि ये कंस्ट्रक्शंस जो हैं ये, लेकिन ये कब इसकी प्लानिंग की गई थी, लेकिन अब इस पर जो है वो वर्क चल रहा है। तो ये जो सर्वे, इस पर सर्वे कब किया गया था, 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और सर्वे किया गया था 1985 में, जो कि आज तक जो है इसके बारे में अभी जो है लेटेस्ट चल रहा है, एंड प्रॉपरली अभी तक ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको ये मान के चलो। ये जो है ये नॉर्दर्न की रेलवे हैज़ अवार्डेड टू एचपी गवर्नमेंट, ये नॉर्दर्न रेलवे को जो है मतलब एचपी गवर्नमेंट के अंडर भी आएगा, और इसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 17.25 करोड़, जिसमें से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कितनी रेशो दे रही है, कितनी रेशो में चल रहा है, 75-25 बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट। ये जो है कितनी लेंथ पे है, ये 63 किलोमीटर्स की लेंथ है, ये प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड मतलब बन रही है। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि भानु कौन सी ऐसी रेलवे लाइन है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो है आपकी भानुपल्ली बिलासपुर ब्यारी ब्रॉड गॉज, ये भी कौन सी बनेगी, ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन, इट्स नॉट अंडर मतलब अभी तक ये प्रॉपरली बनी नहीं है, इस पर कई चीज़ें चल रही हैं, सो इट इज़ नॉट अंडर मतलब ये पूरी तरह से बनी नहीं है, प्रोजेक्ट चल रहा है, अंडरटेकन है। सो कई बार डिस्कशंस भी हुई हैं, कई बार 2012 में डिस्कशंस हुई हैं इससे रिलेटेड, और कई बार जो है अभी रिसेंटली भी हुई हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इससे अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही पूछा जाएगा कि कौन सी जो रेलवे लाइंस हैं वो आपकी ब्रॉड गॉज हैं या नैरो गॉज हैं, पहली चीज़। कितने डिस्टेंस पे कवर करती है, और कितने टनल्स हैं, कितने ब्रिजेस हैं, ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। कालका रेलवे लाइन से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं कि कौन सी टनल जो है वो बड़ी टनल है, उसका नाम किस पे पड़ा है, बाबा बालकुनाथ जो है, बाबा बालकुराम से भी आया है कि कौन सा ऐसा इंसान था जिसने सुपर नेचुरली जो है वो रेलवे लिंक को ढूंढा है, तो बाबा बालकुराम है। कई बार ऐसे कि कौन, अगर ब्रिटिशर से पूछा जाए तो हाँ ये क्वेश्चंस भी आए हैं कि जैसे लॉर्ड कर्जन ने कब इस रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन किया है। रेलवे लाइन्स, कालका रेलवे लाइन से कई बार हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन, डिस्टेंस, टनल्स, लॉन्ग टनल्स, देन इसके बाद हु इन्वेंटेड, हु इनॉग्रेटेड दिस रेलवे लाइन। सेकेंड इसमें ये भी पूछा जाता है कि भैया आपकी कितनी टनल्स हैं, कौन सी लंबी टनल है, किसके पास है, मतलब ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। तो इस क्वेश्चंस को हर वे से आप याद करने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखते हैं, ये हैं आपके सॉल्यूशंस, अब करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स जो आज हमने पढ़ा है वो है रेलवे लाइन से रिलेटेड, अब हम करेंगे इसके बाद आपका थोड़ा सा रहता है एक मूवमेंट्स, फिर हम पकड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एक हफ्ता मैंने एमसीक्यूज चलाए, एमसीक्यूज होंगे, ये नहीं है कि एमसीक्यूज नहीं होंगे, पर दो दिन जो है ये टॉपिक को कवर कर लेते हैं। आज कर रहे हैं हम सॉल्यूशन। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, सरदार पटेल को।
सरदार पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। इम्पोज जजिया, देखो कई बच्चों ने बहुत आंसर्स लिखे हैं कि जजिया क्या है, कि ये जो जजिया है सबसे पहले जो है स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक, ने डाली। फिर इसको ख़त्म किसने किया, आपके अकबर ने। फिरोज शाह तुगलक ने भी डाला था जजिया टैक्स, फिर अकबर ने इसको बंद किया। इसको री इम्पोज्ड किसने किया है, द्वारा किसने खोला था, री इम्पोज्ड किया है औरंगजेब ने, औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन जोजिला पास, जोजिला पास कहाँ पे, इज द लिंक बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर वैली, कश्मीर वैली और लद्दाख का जो है कनेक्शन है इन श्रीनगर लेह हाईवे, श्रीनगर लेह श्रीनगर हाईवे जो है उस पे है, नेशनल हाईवे 1 जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो इसकी हाइट है या समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, 3528 मीटर्स, ठीक है, ये इसकी हाइट है। और इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पास इन श्रीनगर ले हाईवे। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों हैं, ठीक है, सब कुछ चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट दलाल स्ट्रीट कहाँ पे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं स्टूडेंट्स, मुंबई, ठीक है। ऐसी टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, इट इज पुडुचेरी, ठीक है। अरावली माउंटेन्स या अरावली रेंजेस आर द एग्जांपल्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स बट फोल्डेड माउंटेन्स, फोल्डेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दी थी, ये दी थी लॉर्ड डलहौजी ने, क्यों दी थी, इसमें ये कहा गया था कि लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि भाई जो भी जिन राज्यों के कोई हायर्स नहीं होंगे तो उनका जो वो राज्य है वो गवर्नमेंट जो है ओवरटेक कर लेगी, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबसे पहले सतारा में हुई थी। इंदिरा गांधी कैन नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम सतलुज ब्यास, सतलुज ब्यास लिंक, ब्यास रिवर दोनों को, इसको हम राजस्थान कैनल भी बोलते हैं, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कैनल, ठीक है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज सुंदरबन, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन जो है, और ये किस एनिमल्स के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यूएनओ कब इस्टेब्लिश हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे वो थे ट्रिग्वे लाय। इसके सिक्स ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से सिक्स ऑर्गन्स हैं, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी काउंसिल, देन आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपका इसमें आता है सेक्रेटरिएट, तो ये सारे जो हैं इसके ऑर्गन्स हैं। तो आपका यूएनओ जो है वो है इस टाइम पे 193 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। गदर पार्टी कहाँ पे हुई थी, सैन फ्रांसिस्को, सिस्को, ठीक है, सिस्को एक। इसके जो है सोहन लाल बखना जो है इसके फाउंडर हैं, और लाला हरियाल,
हरदयाल, ठीक है, ये इसके हैं। इस गदर पार्टी को याद रखना, कामटा गरु, कामटा गरु एक शिप थी जो वापस आ रही थी जब उस पर अटैक हुआ था। तो ये जो मेन है, सोहनलाल बखना और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी जो है वो की थी 1914 में। तो गदर पार्टी बनी कहाँ थी? सैन फ्रांसिस्को में। ये जरूर याद रखना, ये है बेसिक फाउंडर सोहनलाल बखना, और उसके जो साथ जो उनके को फाउंडर थे वो थे लाला हरदयाल। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने लाला हरदयाल, कई बच्चों ने लिखा है आई थिंक सोहनलाल बखना इज़ द मेन फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, जिसके साथ लाला हरदयाल थे। और कामटा गरु इज़ अ शिप नेम, और कामटा गरु जो था कि उसमें जब लोग वापस आ रहे थे तो कई कई लोगों को मार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये हैं आपके होम असाइनमेंट्स। फाउंडर ऑफ रंग महल इन चंबा, ठीक है, चोलांग पीक क्या है, कितनी हाइट है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट किंगडम, राष्ट्रकूट साम्राज्य किसने के संस्थापक कौन थे, राइस कल्टीवेशन ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे राइस कल्टीवेशन मतलब चावल की खेती की जाती है, शाहनामा किसने लिखी थी, इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव का जो कमीशन है चुनाव आयोग का आर्टिकल कौन सा है, जानकी झांकी फेमस फोक डांस कहाँ का है, हिमाचल के चीफ जस्टिस कौन है, स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है, और डायनामाइट किसने इन्वेंट किया था। फिर से बोल देती हूँ, रंग महल के संस्थापक कौन थे, फाउंडर मीन्स संस्थापक, अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत है, चोलांग पीक की हाइट क्या है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है, फिर से फाउंडर संस्थापक जो है राष्ट्रकूट किंगडम के साम्राज्य के कौन है, राइस चावल की खेती हड़प्पा में कहाँ की जाती थी, शाहनामा किसने लिखी है, इलेक्शन कमीशन जो है वो किस आर्टिकल चुनाव आयोग का आर्टिकल कौन सा आता है, किस आर्टिकल के अंडर आता है, जानकी जो है वो कौन सा फोक डांस है कहाँ का है, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड डायनामाइट वॉज इन्वेंटेड बाय, वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट, ये नाम है जिन बच्चों ने मुझे मॉक टेस्ट पे जो है मार्क्स दिए थे। सो सब ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, कईयों ने बहुत अच्छे स्कोर किया, जिसमें लकी शर्मा के शायद पूरे मार्क्स 39, प्रियंका शर्मा, निखिल सिंघानिया, अंकुश गुलेरिया, अभिनाश वर्मा, अमन चौधरी, सुनीता कौशल, हितेश शर्मा, सपना देवी, सुमित ठाकुर, दामिनी शर्मा, दर्शु शर्मा, केहर सिंह ठाकुर, किरण राजपूत, मंजू शर्मा, सलोनी, निखिल ढिल्लन, विजय शर्मा, स्वरित कौशल, विकास चौधरी, भावना ठाकुर, दिवांग शर्मा और विकास ठाकुर, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिए हैं। कई स्टूडेंट्स ने जो है बहुत अच्छे से आंसर जो हमने होम असाइनमेंट्स दिया वो भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किए हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स कि आप हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं और हमारे चैनल के साथ बन रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी आज कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और ये जितने भी होम असाइनमेंट्स हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे रिस्पॉन्ड दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।